और फिलहाल सीधा रुख बाराबंकी का। प्रियंका गांधी इस समय जनसभा को संबोधित कर रही हैं। कि जब आप किसी को वोट देते हैं तो उनकी नीतियां क्या है और उनकी नीयत क्या है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, हमने इस बार बहुत सोच समझकर एक साल की चर्चा के बाद गांव गांव जाकर देश प्रदेश में घूमकर सबसे बात करकर एक घोषणा पत्र निकाला। उसमें यह एक योजना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, न्याय योजना, जिसके तहत हर गरीब परिवार को 72,000 सालाना मिलेगा। उसके साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत योजनाएं हैं। किसानों के लिए कई प्रदेशों में हमने कर्ज माफ कराए हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसानों के लिए अलग बजट की योजना है। माफ करें, अलग बजट की योजना है। उस अलग बजट के तहत हर साल किसानों को ये बताया जाएगा कि आपके लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं, आपके लिए पैसा किस तरह से खर्चा जाएगा और कब कब इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ किसान के लिए एक ये घोषणा की है कि जहां तक हो सके हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा फूड पार्क जैसा बनेगा, ताकि जो आपकी उपज है उसको डायरेक्ट देश और विदेश की जो मार्केट है उससे जोड़ा जा सकेगा। ये तो दो मिनट बोलेंगे। नौजवानों के लिए ये घोषणा की है कि मनरेगा 150 दिन के लिए होगा और मजबूत बनाया जाएगा। और जिस तरह से मनरेगा को दुर्बल कराकर ठेकेदारों द्वारा, जेसीबी द्वारा काम किया जा रहा है, उस तरह का काम बंद होगा और मजदूरी मनरेगा में पूरी तरह से दोबारा शुरू होगी। जैसे आपको मनरेगा में आज पैसे नहीं मिलते 6-6 महीनों के लिए, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए योजना बनेगी। और रोजगार के लिए जो 24 लाख सरकारी रोजगार हैं, जो आज खाली पड़े हैं, उन्हें कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि अगले साल के मार्च के महीने तक भर देगी। और उन्होंने यह भी कहा है घोषणा पत्र में कि 10 लाख रोजगार ग्रामीण स्तर पर नए बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई नौजवान एक बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उस नौजवान को 3 सालों के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो उनको टैक्स लगेगी उसको भी बहुत ध्यान से सोचा गया है कि अगर आपके बिजनेस से और लोगों को रोजगार मिलेगा तो आपको कम टैक्स मिलेगी, आप पे कम टैक्स मिलेगा। कांग्रेस ने ये घोषणा भी की है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। और ये घोषणा भी की है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज और जांच मुफ्त का होगा और सरकारी पाठशालाओं में 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो ये सब घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने की है। अब कांग्रेस पार्टी और भाजपा में फर्क क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किसान के कर्ज माफ करके दिखाए और जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की उन्हें पूरा करके दिखाया। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों पहले प्रदेश की सरकार कांग्रेस की आई, मात्र 3 दिनों में किसानों के कर्ज माफ होने शुरू हुए। तो जब आप 6 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो नीतियों को भी समझिए और नीयत को भी समझिए। और भाजपा की नीतियां सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए बनाई गए हैं और उनकी नीयत भी सही नहीं है। उनकी नीयत यह है कि वे सत्ता को अपने लिए बटोर के रखें और जनता को नकारें। तो आप इन चीजों को मेरे से ज्यादा समझते हैं। और तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देश की जनता में बहुत विवेक है, आपको सब जानकारी है, आप सब समझते हैं, क्योंकि जो दुख है, जो समस्याएं हैं, उनको आप झेलते हैं। इसीलिए 6 तारीख को मन बना लीजिए कि ऐसी राजनीति अब नहीं चलेगी, बहुत हो गया। अब एक ऐसी राजनीति लाइए अपने देश में
जिसके हित में आप हैं, जो आपके लिए काम करना चाहती है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है, आपका विकास चाहती है। आप सबको बहुत कष्ट दिया है, बहुत धूप में खड़े हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारी बहुमत से तनु जी को जिताइए, अपना भविष्य मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाराबंकी में प्रियंका गांधी और संबोधित कर रही थी, वोट की अपील कर रही थी। वहां के जो प्रत्याशी हैं उसके लिए वोट की अपील करने पहुंची थी। कांग्रेस की तमाम खूबियां और उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं भी उन्होंने जनता तक रखी।